और सबसे बड़ी कार्रवाई तो जनता करने वाली है, जनता का लेकिन जयराम विप्लव, अगर ऐसे लोगों की सोच पब्लिक डोमेन में आ रही है, ऐसे लोगों को अगर कुछ और लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो ये हर बीतते घंटे के साथ आप ऐसी सोच को और बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात की संभावना से आप नकार नहीं सकते कि ऐसे लोग कुछ और लोगों को बरगला दें। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई आप नहीं करते हैं, तो ये सरकार की कानून की कमजोरी भी दिखा रहा है कि आप लोग कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आसिफ सर, मुझे बताइए जरा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत आकर्षित कर रही हैं आपको तालिबान की तरफ, जो आपको लग रहा है कि तालिबान बहुत महान है? देखिए मैं बताऊंगा आपको, मुझे फखर है मैं शाहीनबाग के लिए ठहरा, गाजा के लिए ठहरा, आगे भी ठहरूंगा, संविधान की हिफाजत के लिए हमेशा ठहरते रहूंगा। ये नागपुर के जोकर जो मंडली है ना बैठी हुई, ये लोग को ना मुल्क में इज्जत है ना मजहब में इज्जत है ये लोगों की। आज मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है वो इम्पोर्टेंट है आपको। कल के दिन अफगानिस्तान को प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे क्या मिलने के लिए? आप जब यहाँ पे हमें जब आप ब्लेम कर रहे हो, उनके घर जाके फिर बिरयानी खाएंगे कल वो भी? सुने, ऐसी ऐसी नागपुर की मंडली को बिठा कर आप मुल्क को एक जोकर उनको बता के जो तो शरीयत के ऊपर कंपल्सर है, आप शरीयत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते यार, समझे आप? अगर आसिफ सोहेल, जयराम विप्लव मैं वापस लौट रहा हूँ सर, शरीयत की दो चार बातें मैं समझ लूं जरा आसिफ सोहेल से, उसके बाद मैं चलूंगा शहजाद पुनेवाला के पास। ये बताइए कि सर, महिलाओं के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है तालिबान जो कर रहा है, वो शरीयत का हिस्सा है क्या? देखिए अभी किसी ने बोला कि नहीं, सीधा सवालों का जवाब दीजिए सर। सुनिए मैं दे रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ। हाँ। ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं तो सभी के लिए वही कानून रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप वेलकम कर रहे हैं, आप लेके आइए। क्यों मुसलमान के लिए एक कानून? मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी वो भी मैं आपसे बात कर लूंगा, उसमें आप कितना समर्थक होंगे ये भी मैं देख लूंगा। मुझे बता दीजिए कि लोगों को पैरों तले रौंदना यही कानून चाहते हैं क्या आप? लोग अपनी बात करें तो गोली मार दी जाए सर पे, यही कानून चाहते हैं आप? ठीक है, महिलाओं को घर के अंदर कैद कर दिया यही चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि छोटी बच्चों का स्कूल एक सेकंड में खत्म कर दिया जाए, उनको घर के अंदर बैठा दिया जाए, यही चाहते हैं आप? हमारे खुद के मुल्क में औरत खवातीन के साथ मैंने सवाल क्या किया, आप सीधे उसकी बात बताइए सर। आप दूसरे मुल्क के क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा है आपको उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है उसके खिलाफ है हम, उनके खिलाफ उनकी सोच के खिलाफ है हम। आज हम सबको मौलाना नौमानी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं लौट रहा हूँ अतिकुर रहमान, बताइए जरा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं मौलाना नौमानी साहब, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अतिकुर रहमान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही। शहजाद कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वापस लौट रहा हूँ सर, टेक्निकल ग्लिच है, वापस को सही कर रहे हैं। शहजाद अपनी बात आप रखिए। आप ये देखिए, एक जेंटलमैन बैठे हैं हमारे, आपको समझना होगा, एक तालिबान विद गन है, एक तालिबान विदाउट गन है, जो घरेलू तालिबान जिसको मैं कहता हूँ। मैं एक टेस्ट करता हूँ, ये जो कुर्ता पहने नीला कुर्ता, इनसे पूछिए, इनके लिए शरिया ऊपर है संविधान ऊपर है? पीछे बाबा साहेब की फोटो भी लगा रखी है, इनसे एक बार पूछ लीजिए इनके लिए शरिया ऊपर है या संविधान ऊपर है? मैं भारत का मुसलमान, मेरे लिए संविधान ऊपर। नीले कुर्ते वाले जी बताइए आपके लिए कौन सा ऊपर है? आसिफ सोहेल कुर्ता, आसिफ मैं ये मंडलियों को मैं जवाब दे ही नहीं सकता हूँ। मैं नहीं सर, ये लोग की सोच जवाब देने के लिए आप चर्चा का हिस्सा है ना, ठीक है? इनको पहले शेरवानी और कुर्ते में फर्क मालूम करने दीजिए, उसके बाद डिबेट पे। आसिफ सोहेल साहब चलिए ठीक है, आपकी शेरवानी बड़ी फवर रही है सर, आपकी बात मान लेते हैं, नीला रंग बहुत फवर है आपके ऊपर। आप बता दीजिए जरा, जो शहजाद का सवाल था, अपने 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 दीन और अपने मुल्क की मोहब्बत ऐसे जोकरों को, ऐसे मंडलियों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, मैं अपने सीने पे, मैं सीने के ऊपर अपने तिरंगा लेके घूमता हूँ, मैं अपने सीने पे तिरंगा लेके घूमता हूँ, मुझे कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने यूनिवर्सिटी से आप पहले सीख के आइए, आपकी नागपुर यूनिवर्सिटी से आप अच्छी ट्रेनिंग लेकर आइए पहले, समझे? यू आर डोमेस्टिक तालिबान विदाउट गन, यू आर डोमेस्टिक तालिबान विदाउट गन। उनके पास गन है, तुम्हारे पास ट्विटर अकाउंट है, यही अंतर है तुम दोनों में। तुम चाहते हो वही तालिबान का इस्लाम यहाँ पे लागू हो, तुम चाहते हो महिलाओं की शिक्षा ना हो, तुम चाहते हो तीन प्राइम मिनिस्टर को भी आसिफ सोहेल मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए सर, उसके बाद आपकी जो फिलोसफी आप बताइएगा अपनी फिलोसफी। मुझे सर एक बात का जवाब दीजिए कि मौलाना सज्जाद नौमानी पर भी FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
जो देशद्रोह का मुकदमा शफीकुर रहमान बर्क पर दर्ज हुआ है, मौलाना सज्जाद नुमानी उस मुकदमे के हकदार हैं कि नहीं आपकी नजर में? हमारे पास तो एक ट्रेंड हो गया, हाँ या ना में सर जवाब दे दीजिए। जब मुल्क के ऊपर आसिफ सोहेल, हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिए कि मौलाना सज्जाद नुमानी पर FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों ना FIR दर्ज हो? देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं FIR कराने, वो कौन सी सोच रखने वाले हैं पहले आप वो बताइए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बोला हूँ तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हम थे। आसिफ सोहेल, तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ आप हैं, चलिए मान लिया। मुझे बता दीजिए मौलाना सज्जाद नुमानी पर FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी कट्टरपंथी सोच को समर्थन कर रहे हैं। कौन सी सोच को कट्टरपंथी? ये उसी कट्टरपंथी सोच को समर्थन कर रहे हैं मौलाना सज्जाद नुमानी। अब कल प्रधानमंत्री उनको अगर कोई एक मैसेज भेजते हैं, अरे क्या पहाड़ा पढ़ के आते हैं सर? क्या पहाड़ा पढ़ के आते हैं कि हमें खाली इतने शब्द बोलने हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी पूछेगा, कुछ भी कहेगा, हमें कुछ और नहीं बोलना है? नहीं नहीं, उनको भी जो आप केस बुक करोगे क्या प्रधानमंत्री पे? वो अगर मुबारकबाद का अगर मैसेज भी जाएंगे उनकी गवर्नमेंट बनने सर, के अगर मगर की बातें तो छोड़ दीजिए ना आप। आप बताइए मुझे, अगर मगर की बातें छोड़ दीजिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल कर रहा हूँ, हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री अगर आसिफ सोहेल बड़ी कोफ्त होती है सर, जो लोग खुद को ठेकेदार का तमगा देके चलते हैं, वो एक आसान सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि आपकी सोच में कोई बात सही है यह गलत है। अगर आप टीवी पर बैठ करके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपकी सोच क्या है, तो कुछ और क्या कहेंगे?